मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना पाना बनना ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। स्टार्टअप, मैं कल एडम से बात कर रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिलने जैसा है, उसको हिंदुस्तान के स्पिरिचुअल दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन उसने मुझे एक बात अच्छी बताई, वो कह रहा है जो पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता है। जो कुछ करने के इरादे से आता है पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूं यह सोचा होगा, तब हुआ होगा। मित्रों, कभी कभी नौजवानों की जिंदगी में कठिनाई आती है। सुबह अगर किसी क्रिकेटर की अखबार में फोटो देख ली, उसकी बड़ी वाहवाही हुई देख ली, तो मन करता है यार क्रिकेटर बनना अच्छा होगा। दोपहर को किसी टीवी चैनल पर किसी फिल्मी कलाकार का नाम रोशन दिखता रहे तो मन करता नहीं नहीं यार ये अच्छा है। शाम को किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है देख लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है। कई नौजवान मिलेंगे आपको, हफ्ते में 3 नई योजनाएं बताएंगे और आप भी परेशान हो गए यार, पिछले हफ्ते तो कह रहा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है और इस हफ्ते कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है। मित्रों, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं रोज जन्म लेती हैं और ज्यादातर इच्छाओं का बाल मृत्यु हो जाता है। मित्रों, ऐसी क्या इच्छा होती है जिसका बाल मृत्यु हो जाए? कुछ लोगों की इच्छा ऐसी होती है जिसका गर्भधारण ही नहीं होता। और मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं रोज बदलती रहती है, और जब इच्छाएं रोज बदलती रहती है तो आपके साथी आपको क्या कहते हैं? आपको यही कहेंगे यार छोड़ो, वो तो बड़ा तरंगी है, वो सुबह शाम नई नई चीजें सोचता रहता है, वो बेकार है यार, वो तो ऐसे ही उठपटांग बातें करता है। ऐसे कैसे ही होता है ना। मित्रों, मेरा कोई नौजवान साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं लोगों के लिए मजाक का कारण बने। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं तरंग बन जाए। और इसलिए मित्रों, आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए, इच्छा बुरी चीज नहीं है।
लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए, और अगर इच्छा स्थिर है तो संकल्प बनती है, और संकल्प में जब परिश्रम जुड़ता है तो सिद्धि बन जाती है। और इसलिए इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। इस छोटे से अर्थ एलजिब्रा के समीकरण को लेकर के हम जिंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैं मानता हूं मित्रों कि हम जीवन में कभी विफल नहीं हो सकते। मैं मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी, और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा, पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूले झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपके सारे काम सिद्ध हो। अंग्रेजी में उसने एक छोटा वाक्य लिखा था। और जैसे ही उसने जूते दिए पॉलिश करने के लिए, तो इसने उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ा दिया। उस ग्राहक को भी लगा कि 10 पैसे में पॉलिश हो रही है और 1 रुपए का अखबार पढ़ने को मिल जाता है। इस घटना को मैं देख रहा था तो मैंने उस बालक को पूछा, मैंने कहा भाई तू हो कौन? बोले मैं कर्नाटक का हूं, कोई परिवार में है नहीं, मेरी शरीर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सम्मान से जीना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पहुंच गया हूं, करते करते काम कर रहा हूं। और बोले मैं लोगों की सबसे अधिक सेवा करना चाहता हूं, बोले हर दिन सुबह 1 टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लेता हूं और दिन भर में 25-30 लोगों की जब पॉलिश करता हूं, 5-7 मिनट पॉलिश करता हूं, उतनी देर वो अखबार पढ़ लेते हैं और मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। मैंने इस दृश्य को देखा तब मुझे गीता पूरी तरह समझ आ गई। मुझे लगा इसको कहते हैं योग कर्मशु कौशलम। पॉलिश करने वाले काम को उसने योग बना करके जिस प्रकार से उसमें प्रोफेशनलिज्म ला करके काम किया था, और यही तो योग कर्मशु कौशलम है जो जिंदगी को जोड़ देता है, कार्य में जीवन को जोंक देता है। वो यौगिक अवस्था को प्राप्त करके जीवन में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास करता है। संगठन का काम करना ये उनका जो मूलतम कार्य है वो है। कई प्रांतों में पार्टी का काम करते रहे हैं और जिन लोगों के साथ काम करते रहे हैं उनको भी लगता है कि वो टफ टास्क मास्टर हैं, डिसिप्लिनेरियन है, नए नए आइडियाज उनको सूझते हैं। अगर वो चुनाव लड़वा रहे हैं पार्टी को किसी प्रांत में तो उसमें भी वो क्रिएटिव हैं। संगठन को और मजबूत कैसे बनाना, पार्टी का नेटवर्क और कैसे, या उसका बेस कैसे और भी ब्रॉड बनाना, वो उसमें अच्छी तरह से उनकी शक्ति का वो उपयोग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा करते ही हैं, इसलिए तो यहां भी काफी ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज उनको दी जाती है, सो दैट देयर इज नो क्वेश्चन दैट ही इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। राजनीतिक के रूप में मैं ये मान सकता हूं कि उनकी और हमारी विचारधारा में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, पर वो अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक है, और उनके बारे में जो आम धारणा है वो ये है कि संगठन के में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑल स्टार्टअप्स, और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले,
शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दौर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है, एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में एक सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती हैं, और दुनिया में हर किसी ने यही किया होगा। आपके जीवन में आप उस अवस्था में है, उस अवस्था में इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए, साथियों को लगना चाहिए कि यार ये एक बड़ा अफसर ऐसा है, खुद मेहनत करता है, तो औरों को कभी कहना नहीं पड़ता है, फिर सब लोग दौड़ते हैं। आप अगर बोर्ड लगाओगे एक समय पर ऑफिस आना चाहिए, उसकी उतनी ताकत नहीं कि आप समय के पहले 5 मिनट पहुंच जाए, उसकी ताकत। आप अफसरों को कहेंगे भाई सप्ताह में 1 दिन दौरा करना चाहिए, रात को गांव में रुकना चाहिए, 2 दिन रुकना चाहिए, उतनी ताकत नहीं है कि जब तक हम जाकर के रुके हैं।